जलवाला हो, 12 बरिस मन ताजा रही। जलवाला हो, 12 बरिस मन ताजा रही। ठर्रा मार के कुर्ता गंजी फार के चोड़ गई बढ़ेर तो कड़क ले नींबू कार के थरमटकी की छेक ले होली में रोटी सेक ले गोबर चाहे कीचड़ मिले आगे पीछे फेंक दे। गोरे गोरे गलिया पे लगते ही रंगवा खिल जाई चेहरा निखर जाई अंगवा खिल जाई चेहरा निखर जाई अंगवा। डलवाला ना होली में बंद दरवाजा रही। डलवाला हो, 12 बरिस मन ताजा रही। चल गयलू बाजार हो, चल गयलू बाजार यहाँ गयलू वहाँ गयलू चल गयलू बाजार तखा पे सामान धैलू ले गयल बिलार देखा हाई रह, हाई रह, हाई। पलंग पे तू सुतल रहलू टंगरी पसार हो, टंगरी पसार पलंग पे तू सुतल रहलू टंगरी पसार जंगल से निकल के चुम्मा ले भागल सियार तापर में जेना रंगेबू तू चूनर अगिला जन्म मा में हो खबू छ चूनर अगिला जन्म मा में हो तू छ चूनर। डलवाला हो, 12 बरिस मन ताजा रही। डलवाला हो, 12 बरिस मन ताजा रही हो। नमस्कार, सलाम, आदाब। हम हैं दिनेश लाल यादव। हम आप लोग के सामने एगो गाना पेश कैले रहनी, जोना के सुनला के बाद आप लोग हमरा के दिनेश लाल यादव से निरहुआ बना देनी। सब केहू जानल चाहेला कि ई गाना कहा, ई गाना के कहानी कहा, ताई आप लोग के हम सुनावत आनी आज उहे गाना के कहानी। निरहुआ सटल रहे तो चली शुरू कर जाओ कहानी। जी, अरे वाह, ली एकरा के खा के देखी, अरे एकदम से ताकत। नहीं नहीं, मतलब मलाई वाला, मलाई वाला खा के देखी। यही हमार सासू माँ, ये हमके खाना में मिला के ऐसा ऐसा चीज खियावेली कि वो खैला के बाद गधा भी घोड़ा बन जाए। अच्छा,
दमाची। अच्छा एगो टुक्की खाली दमाची। अरे दमाची हमार विश्वास करे, हम कुछ भी के मिलो ले। अरे दमाची कुछ नहीं के मिलो ले है अंजलि के क्रिया। और ई है अंजलि, हमार वाइफ, हमार लाइफ, हमार सब कुछ। आज करवा चौथ के दिन खाली ई हमरा खातिर ना, हमू इनका खातिर व्रत रख ले बानी, ताकि सातों जन्म में हमके बीवी के रूप में यह मिले हमार अंजलि। दुनिया चांद के आसमान में ढोड़त हुई और चांद तही हमरा सोझा खड़ा बा। अच्छा एकर मतलब हमार चेहरा चांद जैसन गोल मटोल है? अरे हमार मतलब वो ना रहे, हमार मतलब रहे चांद जैसन चमकदार। भैया हो गलिया करवा चौथ का वैलेंटाइन डे। रहो सिंगरवा देहनी से नुरवा, सो रहो सिंगरवा देहनी से नुरवा, झुमका झूलनिया दिहनी दिहनी पयजनिया, और कथी चाहिए सजनिया हो। मामा कहत लिया दी हम कीरी मामा हो। पाउडर लगावे खाती गोड़बा के धुरिया दी हो, पेन के लुगरिया दी हो, रखी हा जोगा के तिरिया के भिरिया रहबा, खाके तो किरिया का हो, बहिया छोड़ाई बाना नहीं। कोई बे हो धन सीना से सटाइब, एहो धन रस छल काइब हो। ऐसने लहरिया पियबो सगरो मिरिया दी हो, काबो रोवाई होना हमके हसा के, तिरिया के भिरिया रहबा, खाके तो किरिया का हो, बहिया खिया बेलू का तिरिया नू हो रहे,
भिरियानू हो राखब दिल में बसा के हो। बधाई हो, बधाई हो। सॉरी, पहले आवाज आ गल रहे, हमरा आवे में थोड़ा लेट हो गई, कोनो बात ना फिर से बोल दे वतानी। बधाई हो। और ये है हरीश, हमार दोस्त, हमार मैनेजर और हमार एंटरटेनमेंट। और एकर भी एगो दोस्त है बॉबी, जकरा बारे में ही बहुत बड़ बड़ बात करेला, लेकिन वो एकरा साथे बहुत बड़ बड़ हरकत कैले बा, जोना के बारे में आप लोग के आगे पता चली। बधाई हो। अरे हरीश भैया, बधाई हो। कैसन बानी? बॉलीवुड के सबसे बड़ कंपनी हंसराज फिल्म्स में मीटिंग फिक्स हो गई बा। अरे वाह। हाँ। अच्छा आप लोग बैठी, हम चाय बना के ले आ बतानी। हाँ। एक बार मीटिंग या सही से हो जाओ फिर ना पूरा बॉलीवुड में हमनी के राज हो ही राज। इतना आसान नहीं खे जितना तोरा लागा था। जिंदगी में कोनो चीज नामुमकिन नहीं खे, ऐसा बोबिया कहत रहे। अबे ये बार बार बोबिया बोबिया का कहत रहे रे, कोनो तोर गर्लफ्रेंड या का? हे, बोबिया हमार गर्लफ्रेंड बा, बॉबी लड़का के नाम बा, लड़की के नाम। अच्छा। हाँ, बॉबी मतलब हमार लंगोटिया यार रहे, जिगरी दोस्त, खेल में, पढ़ाई में, लड़ाई में, हर चीज में नंबर वन। देखला बोबिया के पावर। हाँ। कहे के मतलब ये बा कि हमनी में इतना जिगरी दोस्ती रहे कि भोरे भोरे दोनों जन हाथ में हाथ पकड़ के दौड़े जात रहनी। हाथ में हाथ पकड़ के? हाँ। और दिन भर खेलला के बाद जब थक हार जात रहनी तो छत पे जाके रात में तारा गिनत रहनी, और हम तारा गिनत गिनत हम सूत जात रहनी। लेकिन बाबूया जब तक हमार हाथ अपने हाथ में ना पकड़ ले ओकरा नींद ना आवत रहे। ओकर हरकत सुनला के बाद हाँ हमरा लगा था वो तोर जिगरी दोस्त ना रहे, ता वो तोर जिगरी सहेली रहे। सहेली? हाँ। का बोला तरह? ऐसा हरकत वाला लोग की का कहल जाला जाने ले? का? गे। गे? हाँ। और ऐसा लड़का लोग के लड़की में ना लड़का में ज्यादा इंटरेस्ट होला। सच हो? आज जाके हरीश के ही पता चलल कि ओकर बचपन के दोस्त ओकर कौना तरीका से इस्तेमाल करत रहे। तब बॉबिया के ही नियत रहे? अच्छा, ये सब रहे बॉबिया के गणित, अब समझ में आईल। हाँ, वो तो हमरा गणित भी सिखावलस कपड़ा उतार के। कैसे? कहत रहे कि एक एक गलती पे तहनी लोगन के एगो कपड़ा उतारे के पड़ी। बस हमार तो गणित खराब रहे तो हमार सारा कपड़वा उतर जाए। अब और काका सिखावत रहे तोरा के? और वो बिना कपड़ा के वो हमरा के पौरना सिखावत रहे। ओकरा कहनाम रहे कि जौन मर्द बिना कपड़ा के पौड़ी ओकर स्पीड जे बा वो डबल हो जाए। एक बात बताओ, ये योगा में नग्न आसन होला का? फिर तो स्त्रीलिंग आसन भी ना होत होई। अब हमरा के सब समझ में आ गइल बा, हर मच्छर बोबिया के हमरा पिछवाड़ा पे काहे लौकत रहे। अरे देख कैसे तोरे बोबिया के पावर फेल भाई। तहरा तो हंसी छूटा था, हमार सारा बचपन बिना कपड़े में बीत गई, तहरा हंसी आवता। चाय ना चाय भाभी जी, चाय कैंसिल। का भाई? ना चाय, चाय। अरे छोड़ी ना भैया, कमी तो उनकरा में रहे ना। हाँ हाँ हाँ, ओकरे में बा। आप काहे इतना चिंता करे तानी, आप गे बानी? हरीश गे बा? अरे ना माई, हरीश भैया ना वो तो यहाँ के। अरे बा। दामाद जी गे बा? अरे भगवान। अरे का माई? अरे भगवान। अरे माई बात। अरे कमाल दिस देखो ना। अरे माई चुप रहो। अरे अब कहाँ चुप रहे? अरे सुनो तो हम का कहते नहीं। अरे कुछ सुना लिखे पढ़े के जरूरत नहीं के। अरे हमार बात तो हमरो समझ में आ गल कि तोरे आज तक बाल बच्चा काहे ले भइले। अरे चुप हो जा माई। हरीश भैया के बचपन के दोस्त गे बाड़े। अच्छा ठीक बा, ठीक बा,
अरे हम तो यहाँ खाली तोनी के गुड नाइट कहे आ ललिया। घर में अपने समस्या ना तो कुल ठीक है। गुड नाइट है। गुड नाइट। सुता लो। गुड नाइट। भैया आप ये सब छोड़ी, एगो अच्छा लड़की देख के फट से शादी कर ली। एकदम बढ़िया आइडिया बा। भाभी जी हमनी ना डिस्को में चलल जाओ, ओजा सुंदर सुंदर लड़की लोग हुई तो जौना लड़की के रहुआ पसंद कर लेबू ना, हम ओकरा से ब्याह कर ले। भैया हम ना जा पाए, डिस्को में इतना शोर शराबा रहेला, इतना भीड़ भाड़ रहेला, नशा में धुत लोग, ऐसन माहौल में हमार दम घुटेला। हमार बीबी के डिस्को में दम घुटेला। ई के है जे डिस्को में दारू पी के खूब लोटेला। अब आप लोग ही सोचत हो कब की के है हमरा बीबी के जुड़वा, या हमरा स्वर्गवासी ससुर जी के साइड बिजनेस, या फिर प्लास्टिक सर्जरी। इस सब के बारे में आपके आगे पता चले, तब तक ई गाना के मजा ला लो। मस्त होके मस्तियों में रात भर झूम ले, टेंशन को मार के जिंदगी को चूम ले। मस्त होके मस्तियों में रात भर झूम ले, टेंशन को मार के जिंदगी को चूम ले। वो कैसे जिएगा जो नहीं पिएगा, वो कैसे जिएगा जो नहीं पिएगा, उसका तो साला करम फूटेला। छलका आयो छोड़ी मारे गुलाटी पैक लड़ा लो को है श्याम दे हाटी। ए श्याम, अरे कवि जी भी बैठे हैं। वाह रे ओ भाई वाह। चेस आंखों से पी ले तू, जी भर के जी ले तू, जाम है छलका छलका। दिल की कड़ाही में डब गाले चाहत को, डाल नमक हल्का हल्का। आयो छौरी हमरा पसंद है, लेकिन कहाँ से पियेंगे, बिहार में तो दारू बंद है। आए है। ए बाबा आए, बिहार में दारू बंद है? हाँ यहाँ मिल रहा है ना, बैठ के चुपचाप पीजिए। अच्छा यहाँ ओपन है? हाँ एकदम ओपन है। ओए हे वाह रे भाई वाह। चेस मैडम, यहाँ पुलिस का प्रॉब्लम नहीं ना होगा। प्रॉब्लम्स को अपने कूड़ा बना के हम डस्टबिन में फेंकेंगे। चाहिए
मस्करा रहे ना, कितना पी लू। देखा सब लोग जा चुकल बा, खाली कुछ बदमाश लोग यहाँ बाचल बा। चल यहाँ से। ना हम के और ही पिए क्या। वेटर। अरे देखा बहुत देर हो गई बा। अभी कहाँ, अभी तो रात जवान बा, द नाइट इज स्टिल यंग। वैसे ना अरे छोड़ो ना हमके पिए के बा। चलो ए तोरा का प्रॉब्लम बा, जाए देख रहा के अच्छा खासा मस्ती करतिया, आ गई ला तू बीच में टीवी ऐड के तरह। निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा। चलो पियल जाओ। जो जाके अपन काम कर, यह है हमारे काम बा। अच्छा हमार मेहरारू और हमार गर्लफ्रेंड के बीच में का कनेक्शन बा, ई जाने खातिर हमनी के चले के पड़ी फ्लैशबैक। जब हमार मेहरारू अंजलि हमके पहला बेर मिलल रहली। अरे यार उ लड़किया तो हमरे और ताकतिया। हाँ साले सब लड़किया तोरे के ताकेली सा, अब कहो कि तोरा के देख के मुस्कुरातिया। हाँ हाँ मुस्कुरातिया। अच्छा अब कबे की तोरा लगे चल के आवतिया। हाँ हाँ आवतिया। तब तोरा से आके बतेबो करी। हाय करण। अरे ई करण ना, ई त हरीशा। ओ गॉड ई कितना हैंडसम बा। हम अंजलि मिसेस सिंह के बेटे। अच्छा तो बैठी ना। रहुआ का बहनी हा? हमके लिए तो 28 साल हो गए। तो रहुआ हमरा बारे में का जानल चाहता नी? सब कुछ। अंजलि हम हैं करण, करण सिंह राजपूत, दीनानाथ जी के लड़का। तो रहुआ के बानी? आप हैं मशहूर गायक निरहुआ। हमार नाम दिनेश लाल यादव है। रहुआ हमके बतौनी ना? तू पूछबे ना के लो। माफ करी हम आज तक राउर कौनो गाना ना सुननी। कौनो बात ना, अब सुना दे। अच्छा वो सब छोड़ी, ई कैसन बा? अब करण इनसे मिला, ये हुए हमार बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? तू तो एकर नाम भी ना जानत रहलू। अरे अब इतना सारा बॉयफ्रेंड बाड़े केकर केकर नाम याद रखी। अच्छा बाय। और का मंगाई तो रखा था? कुछ ना बस हमार पेट भर गए। हाँ ओकर चेहरा देखे लायक रहे। तू एकदम पागल हो। अच्छा अब हमके भी लेट होता, हम चलत आनी। कहाँ?
घर है और कहाँ? का भइल? कल फिर आइबू, एजे 7 बजे पक्का आइब। बाय बाय बाय। और फिर अगली शाम सात से आठ बजे आठ से नौ नौ से दस बजे और दस से ग्यारह बारह पर अंजलि ना आई। इतना मूड का है ऑफ, मतलब इतना गंभीर का है बड़ा हो? अरे वो लड़की चल गई तो चल गई, वो ना तो कौनो और सही, यहाँ लड़कियन के कमी बा। अरे यार कौनो मुसीबत में भी तो हो सकेले, कले रहे आवे कि ना आइल, साला नंबर भी ना ले पेनी। हमरा तो बुझाता कि तहरा के ओकरा से प्यार हो गई बा, इलू इलू टाइप। इंसानियत नाम के भी कोनो चीज होला। अरे के बड़ा तानी लो, हमके माफी दे दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। एक मिनट हाँ। हमके माफी दे दो, हमसे सब तू लोग क्या हुआ? का चाहिए तो नहीं के? माफी माफी? ये अंजलि जी के म्यूजिकल माफी नामा हो, काल रेस्टोरेंट में ना आई रही, वही खाती। नया तरीका में माफी मांगे? अगर माफी नामा ना मिलल तो यही तरह गाना चलत रही। अच्छा ए? अरे भाई माफी दे देनी भाई, माफी मांगे के ऐसा तरीका जीवन में पहली बार देखनी हम। ये हमार स्टाइल है। तोहरा आंखिया के स्टाइल तोहरो से खतरनाक बा। कैसन स्टाइल? इजहार करे के स्टाइल। अखियां से हो खेलागल इजहार धीरे धीरे, अखियां से हो खेलागल इजहार धीरे धीरे, मुस्कान चल के देसे होठवां पे आके बिखरन, मुस्कान चल के दिल से होठ पे आके बिखरल, जियरा में जागे लागल अब प्यार धीरे धीरे, जियरा में जागे लागल अब प्यार धीरे धीरे। जन्म निभाइब क्रियाए खैल बानी, धड़कन से
हरगम चेहरा चमक रहल बा। जब से भइल मोहब्बत चटकार धीरे धीरे अखिया से होखे लागल इजहार धीरे धीरे। बाटे हल चल छेड़ला कुछ तराना भूलवा के रस पियेला भवरा भयो दीवाना। जवानी मारे हिलोरा रानी दोनों तरफ जवानी जिंदगी के मैया होखी अब पार धीरे धीरे। जिंदगी के मैया होखी अब पार धीरे धीरे। घरे आयल बानी और तू बातें नहीं के करत। का बात करी? काल 10 कॉल के लिए रनित होके पर नो रिप्लाई। 10 ना पूरा 32 मिस्ड कॉल रहे। देखा मजाक मत करा। ई बताओ कल कहां रहलू तू? हमके माफ कर दो, हमके पता ना का हो जाला। एक्चुअली हमरा के ना भूले के बीमारी बा। जब भी ज्यादा टेंशन होला हम सब कुछ भूला जानी। काले भी ऐसने भइल रहे। अरे तो डॉक्टर के दिखावे के चाहिए। हमके डॉक्टर डॉक्टर नहीं के पसंद। और माई कहेली कि भूले के बीमारी हमरा पूरा परिवार के बा उनकरो रहे, लेकिन शादी के बाद वो एकदम से ठीक हो गई ली। अरे तो तू हूँ शादी करला? हम केकरा से? उ रेस्टोरेंट वाला लड़का से जो तो के देखे आई रहे करला ओकरा से। ओकरा से ना करबू तो हमरा से कर ले। बेटा शादी तो खूब धूमधाम से करब। अरे हमार इकलौती बिटिया जे हा
रहो के माई बाबूजी कहाँ बाड़े, बुलाई पलानी करे के पड़ी ना। माई इनकर माई बाबूजी दुनिया में नहीं खन। बेटा बाप के तब पता नहीं खे, बाकी आज से हम तो हर माई का कौन जमाने में जिया तारे लोगन। अरे गईलू जमाना जब घरे के बड़ बुजुर्ग आके शादी ब्याह तय करत रहे, मॉडर्न बना हमरा जैसन। और बहुत ही सीधा साधा ढंग से हमार अंजलि के शादी भाई और नए जीवन के शुरुआत। बाप काम पर नहीं खे जाए के? जाए के तो बाहो, लेकिन श्रीमान जी हनीमून खत्म हो चुकल बा और घर बसावे के टाइम आ चुकल बा, तो ये सब छोड़ी और अच्छा बच्चा की तरह काम पर लग जाए। और सुनी आज हम माई के ले आवे के एयरपोर्ट जाता नहीं, याद बना कि वो कुछ दिन खातिर घरे आवता नहीं। तू मत बुला जी। और सुनी अगला साल तक हमके एगो बच्चा भी चाहिए। अगला साल तक बच्चा चाहिए, तभी से तैयारी करे के पड़ी ना। आलोक भैया बनाएंगे तो फिल्म तो अच्छी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल भाई हीरोइन के बारे में क्या सोचे? लड़की नहीं होनी चाहिए, मॉडल टाइप, सेक्सी, जैसे कि वो लड़की। वो लड़की के दिखला के बाद हमार दिल दहल गए, कहीं ये हमार मेहरारू तो नहीं के यहाँ और ये हालत में। हम जानत नहीं इनके, आवतनी हमार कदम आगे बढ़े के तैयार ना रहे। दिल जोर जोर से धड़के लागल और यह कहत रहे कि भगवान करे ये हमार मेहरारू ना होके। अंजलि, अरे यार हमार नाम अंजलि ना, हमार नाम एंजल है। सुपरस्टार निरहुआ सर, रहुआ खातिर हम अंजलि का, अंजलि एंजल अंजू आम्रपाली कुछ भी बने खाते तैयार बनी। सर आज हमार बहुत लकी डे है, काहे कि हमके एक ना दुदु को निरहुआ दिखाई दे रहल बा। वैसे सर हम रोज ना पियनी, खाली कबो कबो। आज के दिन हमार बहुत खराब रहे, एगो ऑडिशन में बड़ा मेहनत से सिलेक्ट भईनी और ये भूले के बीमारी की वजह से शूट पे जाए के भुला गई नी। और सर वो लोग के दूसर लड़की के साथ शूटिंग कर लेलस। वैसे हम रोज ना पियनी, बस कबो कबो, काहे कि बच्चन साफ कहलन आदमी के दारू ना पिएगे चाहिए, दारू पियला से लीवर खराब हो जाला। और हम तो वादा कहले बानी मरे के बाद अपन लीवर किडनी दिल फेफड़ा आँख सब कुछ दान में दे दे। शराब ना पिएगे चाहिए सर, एगो रोल दिवा दी ना प्लीज, बस एगो छोटा सा रोल भी मिल जाए था। इनका हालत देखा था रू, इस सब का? अच्छा अब समझ ली कि हमरा के घरे लेवे काहे नहीं आए।
एंजल बन गल हुई है। मतलब? अरे बेटा जी, अंजलि कबो कबो एंजल बन जाले। अरे बेटा, अंजलि जब एंजल बने नी ना, तो वो ऐसा नाटक अक्सर करत रहे नी, जैसे उनकर आगे भी कुछ पता नहीं किया कि वो का कर रहा बानी। अरे यहाँ तक कि एक कमरा से दूसरे कमरा में चल गई है, अपन कुल रूप रंग बदल ली है और अपना के पूरा तरीका से अंजलि से आजाद करके एंजल बन गई है। और एंजल बनला के बाद वो अपना के ऐसन समझे नहीं जैसे वो कबो अंजलि रहबे ना कहनी। तो बेटा सुना, कबो कबो ये सब नखरा पसार ले। ओ बेरा तो हम रहू के नखे चिन्ह ले, हमरा के मकान मालकिन और अपना के किरायेदार समझे लगे ले। बाकी चिंता मत करी, सब ठीक हो जाए। दिमाग के डॉक्टर के देखो नहीं उनके? हे भगवान, रुआ के हमार बेटी पागल लगतिया जो नकरा के हम दिमाग के डॉक्टर के दिखाई। अरे कहनी ना क्यों कबो कबो ऐसा नौटंकी पसा रहे ले। कुछ नहीं के भाई, ठीक हो जाए, चिंता मत करी। अरे तो आप हमके पहले काहे ना बतौनी? अरे ते कौन कैंसर जैसन बीमारी जन बतावल जरूरी रहला। ठीक हो जाए, चिंता मत करी, ठीक हो जाए। अब हमके समझ में आये कि कैसे वादा करके वो ना आवत रहली। हमरा के ना भूले के बीमारी बा, जब भी ज्यादा टेंशन होला हम सब कुछ भूला जानी। काले भी ऐसने भइल रहे। और जब हम पूछत रहनी तो भूल जाए के बहाना करत रहली। ना बेटा, हमार बिटिया झूठी नखे, अरे ओकरा सच्ची में भूले के बीमारी बा। हो सकता कहे कि जब अंजलि हमके पहला बार मिलल रही तो ना पहचान ली। तो रहुआ के बानी? आप हैं मशहूर गायक निरहुआ? हमार नाम दिनेश लाल यादव, पर जब आज एंजल बन गई है तो पहचान गई। सुपरस्टार निरहुआ। अंजलि सिर्फ हिंदी फिल्म देखेली और शायद एंजल भोजपुरी भी। हमार मन ही माने के तैयार ना रहे कि हमार मेहरारू अंजलि कोनो नाटक करेली। माता जी, आज से आपके हिजे रह के पड़ी। अब कुछ ना, हम अंजलि के एक पल अकेला नहीं छोड़ सकत, प्लीज। यही से अगले ही दिन हम अपना मेहरारू के डॉक्टर के पास लेके गईनी बहाना से। अंजलि ध्यान से देखा और डॉक्टर सम्मोहन के जरिए सच जाने की कोशिश कईले। ई एंजल तोरा भीतर कैसे आई? याद करा अंजलि। और जोन सच सामने आई वो जनला के बाद हमरे तरह आप लोग भी दहल जाइबा। एंजल के काचे हैं अंजलि, ई हमें तोहर नया मास्टर है, आज से तोरा के इहे ट्यूशन पढ़ाई है। अरे ई हमारे स्टूडेंट ना, ई तो हमार भांजी ही है भांजी, अरे तो हमार बहिन है। अरे अरे, आ एकरा के पढ़ावल तो हमार पहला कर्तव्य बा जी। आ एकरा के ना पढ़ाई तो केकरा के पढ़ाई जी? ऊ मास्टर बहुत गंदा आदमी रहे, रोज हमरा साथे गलत हरकत करत रहे। हम बहुत डरा गइल रहनी, बहुत घबरा गइल रहनी। हमरा में ना तो माई के बतावे के हिम्मत रहे और ना ही वो पापी मास्टर के रोके के हिम्मत। बस ये बात के फायदा उठा के पढ़ाई के बहाने वो रोज ये घिनौना हरकत करते रहे। तब हम अपना अंदर एंजल के पैदा कर लेनी जे अंजलि से एकदम अलग है। वो अंजलि जैसा डरपोक ना, एंजल तक गुस्सेल और जिद्दी भी है। अब एंजल के बस वो मास्टर के मार के भगावे के रहे। हम अंजलि नहीं, एंजल है, एंजल, एंजल। दोबारा हमके छुए के कोशिश भी मत करी हा। पागल, पागल हो गई भैया, पागल हो गई भैया, इलाकी पागल हो गई भैया, पागल, पागल, पागल हो गई भैया बहन। ए बहन, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, राउर बेटी ठीक से ना पढ़त रहला सिया, थोड़ा सा ओकरा के उल्टा सीधा का बोल देनी है कि बोतल चला के सीधे सर फाड़ देला सिया। हाँ अंजलि। अरे अंजलि ना, हूँ एंजल, एंजल बहन। अंजलि देखा आ गई,
झूठ बोल रहा है भाई मास्टर, ये हमरा साथे गंदी हरकत करेला ऐसे हमें के मरनी हो। अरे ना बहिन, ये पागल हो गल भैया। अरे ये अंजलि ना एंजल, ये एंजल। हाँ हम एंजल हैं। ये झूठ बोल ना मास्टर, हमार बिटिया झूठ ना बोल सकत। वो तोरा संगे जौन भी कैले हुई बिल्कुल ठीक कैले हुई, और अब तोर सच्चाई हम दुनिया के सामने लेके आईब। अच्छा तो तू दुनिया के सामने लेके आईबू, हम वो बताए दुनिया के सामने कि तुहार बेटी पागल हो गई। खबरदार खबरदार, ये बात अगर घर से बाहर गई तो ते जिंदगी भर जेल में सड़बे मास्टर। याद रखिए, चुपचाप यहाँ से चल जाओ। माफ कह दे, भाग यहाँ से, भाग। चल तो जाइब हम, लेकिन फिर यहाँ आए। फिर आई बे तो फिर मारब। भाग। अंजलि, एंजल अंजलि, ये सब कहाँ बिटिया? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे जो हम पापी मास्टर के संगे तोरा अकेले पढ़े के भेज ली, अब ऐसी गलती कबो न हुई, अब तोरा के कबो न सदे। बाकी नाटक बंद कर बिटिया, ये नाटक बंद कर। ए मकान मालकिन, हम अंजलि ना एंजल है, और तू हमार माई ना मकान मालकिन हो। मास्टर, अंजलि, फिर आ गई ले। छोड़ अंजलि, क्या कर रहा है? तोले रनी ना। अंजलि छोड़। ते फिर आई बे तो फिरू मारा। छोड़ अंजलि। अरे अरे अंजलि, अंजलि छोड़। हम कहता नहीं। ना छोड़। छोड़ अंजलि, अंजलि छोड़। छोड़। जा। सुनो। अरे डॉक्टर में अंजलि। मार डाला तो रखे। अंजलि, one छोड़ हम रखे। सुनो, अंजलि बात सुनो, शांत हो जा। अंजलि अपन मास्टर से लड़े खातिर अपना से बिल्कुल अलग, अपने शरीर के भीतर एंजल पैदा कर ले बानी। लेकिन डॉक्टर साहब, अंजलि के एंजल के बारे में कुछ पता नहीं थे, और एंजल के भी अंजलि के बारे में कुछ मालूम नहीं थे। हाँ, ये बीमारी सने होला एक शरीर में दो या उसे ज्यादा भी लोग रहला, जेकर रहन सहन, जेकर स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग होला, एक दूसरे का बातचीत भी याद ना रहला, और यहां तक कि एक दूसर का चीज ओकरा के सामने भी आ जाला तो ऊपर यकीन ना होला। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तो मास्टर नहीं थे, फिर एंजल का है। डर, शायद डर, मास्टर के लौट आवे का डर की वजह से अंजलि के शरीर के भीतर आज भी एंजल पड़ी, जे कबो भी आवाज जात रहली। एक कर इलाज का डॉक्टर साहब। इलाज तो कुछ नहीं के, बस कुछ दवाई का सहारे मरीज के धीरे धीरे सच बताओत रही, जब तक कि मरीज ठीक ना हो जाए। सच बतावे में कोनो खतरा नहीं के? बहुत बड़ खतरा बा, मरीज के झटका लग सकेला और आत्महत्या का कोशिश भी कर सकेला। अब आप सोच ली कि सच्चाई बता के मरीज का साथे जोखिम उठाए। हमरा के अब सब समझ में आ गई, भाभी जी के अपरिचित फिल्म के हीरो वाला बीमारी बा। वैसा नहीं कुछ बा यार। तहरा लगे दुए गो रास्ता बा, या तो अंजलि भाभी के साथ है जियो, या तो उनकर साथ छोड़ दो। छोड़ नहीं की सकत यार, बहुत प्यार करे ने उनका से, हमेशा उनके साथ है रहा, सुख में भी दुख में भी और बीमारी में भी। हमार समस्या बहुत ज्यादा गंभीर रहे,
हम अपना मेहरारू अंजलि के सच ना बता सकत रहनी और ना ही उनका के ऐसे एंजल बन के जिए खातिर छोड़ सकत रहनी। यह दोगो बात हमरा के बेचैन करके रख देले रहे। हमके लागत रहे कोनो न कोनो बीच के रास्ता तो निकल ही के पड़ी, इससे पहले कि कोनो और दुर्घटना हो जाए। भाई कुछ ना माई कुछ कहनी है का तो हमरा से कौनो गलती भइल बा का? अरे ना, वो जोन फिल्म करे के बना ओकरे कहानी के बारे में सोचा था। अच्छा मालूम बा, जब आप सोच में डूबल रहनी तो बहुत सुंदर लागे नी। हमरा के आपके जैसन ही एकदम सुंदर लड़का चाहिए। ना, हमरा के तोहरे जैसन को सुंदर बेटी चाहिए। बस ओकर आंख हमरे जैसन होके की चाहिए। काहे? हमरा आंख में कोनो प्रॉब्लम बा का? अरे ना, हमार मतलब वो नहीं के। ना, कोनो प्रॉब्लम हमरा में ही बा। यही से हम आज ले माई ना बन पवनी। ऐसे काहे सोचा था? हाँ, डॉक्टर के दवा और दुआ से सब ठीक हो जाए। रब ने बना दी जोड़ी, देखते देखते हमरे दिमाग में एगो आइडिया आई। माताजी कुछ बात करे करे आपसे। बोलिए बेटा जी। देखिए, हमके एक बात की बहुत नाराजगी बा। का? आज ले आप हमके दहेज में कुछ ना देनी। दामाद जी, जोन कुछ अंजलि कहा तो रोवे कता हा? हम अंजलि की बात नहीं करत। हाँ? हमके एंजल के हिस्सा में से चाहिए। बेटा जी, कितनी बेर बोली कि अंजलि ये एंजल हा। दरअसल आप जोना के अंजलि के नखरा समझेनी, वो एगो बीमारी है। और अगर आप चाहता नहीं कि हम उनके लिए के डॉक्टर के लगे ना जाएं, तो एंजल से हमारी दोस्ती करवा दी। ला ला ला। बिटिया, हमरा के तोरा से केहू के मिलावे के बा। किकरा के? चला मिलाई। ओह माय गॉड, सुपरस्टार निरहुआ सर, हमरा और बहुत बड़ फैन है। देखी ना, पूरा घर में राउर फोटो लगा ले बानी। बिटिया बिटिया, ई निरहुआ ना, निरंजन निरंजन हमरे भाई का बेटा। लेकिन ई तो हूबहू निरहुआ जैसन लागत आ रे। लेकिन आंटी, हाँ, पहले इनकरा के कबू देखनी ना हम। ओ कहने बेटा कि अपने पापा के साथ रहत रहना पटना में। पटना में ना, तो ये अब आज से हमरे संग रही है। हम भी यहाँ भी अभी शिफ्ट भइल बानी। एकरा पहले कहीं और रहत रहनी है ना आंटी? हाँ, हाँ, हाँ। ये हमरा के मकान मालकिन अपना के किरायेदार समझा दिया। अच्छा, ये का खुसर पुसर होता? कुछ ना बिटिया, कहता नहीं की इनकरा के तोरे संगे फिल्म के एडिशन में जाए के चाहिए ना। अब बिटिया तनी इनकरा के भी कुछ काम दिया था। देखी आंटी, ये डुप्लीकेट लोग के कबो मेन रोल तो मिले ला ना, बस कौनो साइड रोल मिल जाए छोटा मोटा। का ना कि हमके खाली एक बार टीवी में लौके के बा, अब चाहे साइड में खड़ा करा लोग चाहे पीछे, बस खाली हमके काम दिवा दी। ठीक बा सुना, तो के एक्टिंग करे आवेला कि ना? उमे कबा सीख ले। देखा, अगर निरहुआ जैसन बने के बा तो बहुत मेहनत करे के पड़ी। अरे ऊ का मेहनत करेला, जोन मेहनत हम करब। देखियो गुड। लेकिन सुना, तोके फिल्म में काम करे के बा ना, तो पहले तोके तोहार नाम बदले के पड़ी। आज से तोहार नाम निरंजन ना, नीरू। नीरू। अपना मेहरारू अंजलि खातिर हम निरहुआ रहनी और एंजल खातिर बन गेनी नीरू, और उनका से दोस्ती कर लेनी ताकि उनकर ख्याल रख सकी। और वो दिन से शुरू हो गई
हमार डबल ड्यूटी। मैं इंस्पेक्टर घोबले हूँ, मुझे गाड़ी आ गई है। पहले पब्लिक को अपने बारे में बताने तो दे। मैं इंस्पेक्टर घोबले हूँ, मुझे दूर की चीज नजदीक नजर आती है, समझे? नीचे। क्या है मैडम? आपको पता नहीं दारू पी के गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, बाहर आइए। मुंह खोलिए। अरे मैं क्यों मुंह खोलूं? आपके पास तो दारू चेक करने वाला मशीन कहाँ है? वो था मैडम, लेकिन कहा गया पता नहीं। खैर छोड़िए, आप मुंह खोलिए, मैं ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। देखो क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आपको दिमाग नहीं है? ऐसी हालत में आप मेरी वाइफ को रास्ते पे खड़ा कर दिए, पता है आपको इनकी हालत? आपको पता है अभी तो ये अचानक। अरे बाप रे बाप। अरे छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, डाले तुम क्यों खड़ी हो? जाओ जाके गाड़ी में बैठो, जाओ 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 जाके गाड़ी में बैठो। अब संभाल के, वो क्या है ना, अब प्रेगनेंसी की हालत में वो बैलेंस बिगड़ जाता है चलते चलते। जाओ 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 जाके गाड़ी में बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये मैडम अभी नॉर्मल थी। नॉर्मल? 6 महीने से प्रेग्नेंट है। लेकिन दारू की बदबू आ रही। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके बच्चे हैं? हाँ। तो बीबी भी होगी? नहीं, हाँ है। तो आपकी बीबी प्रेगनेंसी की हालत में दारू पीती थी? हाँ। नहीं 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 नहीं। वो क्या है, ऐसी हालत में दारू पीने से बच्चा कमजोर पैदा होता है। हाँ? मेरी बीबी कैसे दारू पी सकती है? मैं खुद डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? हाँ। अरे ये क्या, जीभ दिखाइए। अरे बाप रे बाप। क्या 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 हुआ डॉक्टर साहब? बहुत बड़ा टेंशन। पर आपको एक बात पता है? हाँ। ये जितनी बीमारियां होती है ना, टेंशन की वजह से होती है। डेंगू, मलेरिया, हैजा, कॉलरा, एड्स और पता नहीं क्या क्या। ये एड्स तो वहां जाने से होता है ना। अरे पर वहां आदमी जाता क्यों है? क्यों? टेंशन की वजह से। पर आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे क्लिनिक आ जाइए, मैं आपका इलाज फ्री में कर दूंगा। कहाँ पर है आपका क्लिनिक? अरे जुहू पे, किसी से पूछिएगा डॉक्टर बच्चन। डॉक्टर बच्चन? हाँ, पर आइएगा जरूर। हम जरूर आएंगे। थैंक यू। पक्का आएंगे, 100% आएंगे। ओह माय गॉड। नीरू तू हमके नीक लागे लागल बाड़ा। हाँ? कहीं तोहरा के हमसे प्यार तो ना हो गई? अभी तक तो नहीं खे भाई, लेकिन पता ना आगे हो भी सकेला। अगर एंजल के हमरा से प्यार हो गई और हमके एंजल से, तो कहीं ना कहीं ये हमार मेहरारू अंजलि के साथ धोखा हो। सोना बाबू, चलो उठा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, चलो। ला, दवाई खा ले। रहुआ के कैसे पता चल जाला हमरा सर दर्द के बारे में? जानू, जब प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाला ना, तो सब पता चलेला। का हो? का बोला? एक काम कर, तू ना आराम कर। हंसराज वालन से मीटिंग बा, हम मीटिंग का क्या होता? नहीं कह देव कि तू शूटिंग में बिजी बड़ा। ना यार, चलो दानी हमू। वैसे भी 1 घंटा की ब्रेक बा। फिर से एंजल? हाँ यार, सवेरे 4 बज गई। हमरा तो लगा था ना कि अंजलि भाभी के सब कुछ सच सच बता देवे के चाहिए, ना तो तहरा अब इलाज की जरूरत पड़ी। ठीक है ना बा,
बिना कसरत के वजन घट रहा बा। तहरा मजाक सुझाता, हम मजाक नहीं की करत, वजन नहीं खे घटत। अब ये हाल रही तो तहार सेहत पर बहुत असर पड़ी। हाँ यार, लेकिन नहीं की बता सकत। पता ना अंजलि सदमा बर्दाश्त कर पाई है कि ना, और हम उनके खोवल नहीं की चाहत। जैसे चला था वैसे चले था। ठीक बा। और अब वो हमार जीवन साथी बड़ी, उनका के खुश रखे खातिर हम ये सब जीवन भर कर सकता नहीं। हम एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं जो बिहार बेस है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम बिहार के सुपरस्टार को इसमें हीरो ले। बॉबी, ये है हरीश के बचपन के दोस्त नंबर एक वाला। हरीश, बॉबी, ओह, आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप एक दूसरे को जानते हैं? आप बचपन से? मच्छर? ये मच्छर हमेशा तुम्हारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? नॉटी, नॉटी, वेरी नॉटी। ये बॉबी हमें सही पकड़े हैं। बॉबी मतलब खेल में, पढ़ाई में, लड़ाई में, हर चीज में नंबर वन। देखला बॉबिया के पावर। का भाई, बॉबिया के याद आता? सब ठीक बा ना? अरे सब ठीक बा, हमरा का भाई, फिल्म के हीरो तो तू बड़ा। अब बचपन के बाद बचपन में ठीक रहे, अब 20 साल हो गई। हम तय कर ले बनी बॉबिया से ना, मतलब काम से काम रखे के बा। तू ना काम से काम रखबा। आओ मतलब हाथ पे हाथ रखी, होठ पे होठ रखी, और पता न कहां कहां का का रखी। लेला मजा फ्री में जो मिलता है। फ्री में तो तू मिलता रहा बोबिया के, 20 साल के प्यास बुझाई बोबिया। अरे नाम मतलब ओकर, ओकर नाम सुन के हमार फटत है। अभी से जी, अभी से जैसे तहार सास के नाम सुन के तहार फटेला। अभी सोचा कि तहार सास काल का करे वाला बाड़ी। का भइल, फाट गइल? इनकरा खातिर तो हम स्पेशल मुरई का पराठा बनोले बनी। हाय हाय हाय, ला खा। बस बस बस। अरे ऐसे कैसे बस? अरे यो खा। अरे कितना खाए? खा बेटा, बस हो गई। अरे कल जुग में आए भाई जी, दू ये गो के राज बा, जय हो दारू जय मेहरारू, यह लोग पर राज बा। हम है जड़ी बूटी के बाबा, और आयल बनी घर में सुतल चीज जगाव खातिर। यह है लड़की के बाल। बड़ी स्वादिष्ट भाई। यह लड़का के बाल, तनी एकरो सवाद चिखली। बाप रे बाप, महाबेकार भाई। ए मौसा, लड़की के बाल ठीक रह रखो, लड़का के बाल महाबेकार बा। कहो मौसा, तू हो टेस्ट कर बा। आवा आवा, दोनों के टेस्टी कलनी हम। समस्या और लड़के में बा। लेकिन बाबा, डॉक्टर तो कहे ना कि समस्या लड़की में बा। अरे आजकल के डॉक्टर के ज्ञान ही कहाँ बा। हमारे प्राचीन विद्याओं के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। ये कहा बाबा? ये ऐसा जड़ी बूटी बा जेकरा से रौर दामाद के रोज ताकत प्रदान करी। बाबा वो इतना कसरत करे ना, इतना कसरत करे ना कि हमरा के नहीं लगे कि ओकरा अंदर ताकत के कमी बा। ऊपर वाला ताकत नहीं, नीचे वाला ताकत, नीचे वाला। उनकर गोड़ भी ठीक है बाबा, वो लगभग 100 दंड बैठक सवेरे करेलन। अरे माते, रवा के कैसे समझाई हम? कोनो भी सुतल आदमी के जड़ी बूटी जगा देला। हाँ बाबा, सवेरे 6 बजे उठ के कपारे परू,
नोचे शुरू कर देना बिना केहू के जगौले जगावा माते रोज एक दूध मिला के पिलाई फिर देखी रहा दामाद जी के कैसे सुहागरत बनाओ तरह परसुनी तन कबे मिला के पियान अच्छा ऐसे बोला ना काबिल कुछ मिले ले बनी का हाँ मिल मिल अभी मतलब प्यार कूट कूट के अपन प्यार एक बार बस हो गई अरे बस चार पराठा देखी हड्डी हड्डी लोग का था बेटा जी एक और खाली ना बस हो गई अब बस अच्छा एक काम करा ये ले ये टिफिन एक के लेके जाए बैठ के आराम से जब फुर्सत मिले ना अकेल खाब एकदम अकेल खाब लेकिन खा ले टिफिन भी तैयार बा आओ न तो कदम आज जी रुआ किया ला मैं तो रखी ला आओ के रखा ला अकेल खाब चलिए ठीक बा निकला तानी बैठो जाए बाय चलो बाय काले ठीक बा का पराठा का सर सीन ई बा कि मीना जी रुआ से अलग होके जी ना पाली अच्छा अब वो मर गई बाड़ी ओ और मर के आत्मा बन गई बाड़ी अच्छा और वापस आई बाड़ी रुआ के मार के अपना साथी ले जाए खाते आत्मा के दुनिया में ओ लेकिन राहुल जिंदगी में जोन बा दूसरा लड़की आकर बड़ी तो स्वाभाविक बा रुआ एकरा देख के डरे तो सीन ये बाटे सर कि जैसे ही हम एक्शन बोले रुआ के एकरा के देख के भाग जाए के बा ठीक बनो एक्शन विजय हम कब से तुम्हारी इंतजार कर रहे बानी हमरा पास आवा विजय सर हम रुवा के बोलनी है आपके इंकरा के देख के भागे के बा ई भूत बाड़ी अच्छा भागे हा, के बा ओ रुवा इंकरा के गला लगा लेनी है ओके सर रेडी फिर से करी जाना ठीक है सर एक्शन विजय हम कब से तुम्हारी इंतजार कर रहे बानी आवा 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 ना सर रउआ का करतनी हम कहनी है कि रउआ इंकरा के देख के नु भागे के बा जब ही रउआ के बुलावत हो रउआ गला लगा लेनी है अच्छा रउआ ये बुलाई है न अगर पीछे से पकड़ी तो अरे ना सर ना हेने से ना होने से अच्छा है पकड़ हेने से अरे सर पकड़े के है ये नहीं के पकड़ी मत आई ओके ओके चली हो जाए एक्शन विजय हम कब से तुहार इंतजार कर रहे बानी आवा अपन मीरा के पास आवा विजय आवा विजय आवा हमरा पास आवा विजय अपन मीरा के पास आवा आवा विजय आवा विजय अरे काम कर छोड़ी रहुआ बार बार रुआ के कहता नहीं हाँ छोड़ी छोड़ी पकड़े के नहीं खेमर दे इंकरा के देख के भाग जाए के बा अरे छोड़ी नू अरे सी समझते नहीं की ये भूत बाड़ी रुआ इंकरा के देख के भागे के बा और रुआ भागते नहीं की यार मतलब इतना सेक्सी लड़की सामने खड़ा कर ले बाड़ा और कहता रहा कि भागे के बा तुम्हारी स्क्रिप्ट गलत बा यार पहले अपन स्क्रिप्ट ठीक करा अब नीरवा जी आप बैठिए आप बैठिए सर अरे एक मिनट राहुल जो स्क्रीन प्ले बा ना वो में थोड़ा सा प्रॉब्लम बा अब भूत बुलावती है तो भूत ने दिखे के चाहिए अतना सेक्सी भूतनी बुला ले बड़ा तो कहां मन पसीज जाता हीरो के तब डिस्टर्ब हो गई तब तक दूसरा सीन करी हम देखा था नहीं पता ना आज काहे तबीयत खराब हो गई उनका के अरे प्रोडक्शन स्क्रिप्ट में गड़बड़ बा करे के लूर नहीं के आ गए बा प्रोडक्शन जी सर कॉफी लाओ यस सर मूली के पराठा बनव ले पानी खाला बबुआ पराठे पराठा बनव ले पानी खाला बबुआ
टेस्टी। खड़ा का है बड़ा, आराम कर लो ना, बैठ जा थोड़ी देर। लागत है खाना में कुछ गड़बड़ रहे। तहार नियत में गड़बड़ी रहे। ना यार, वो हमार सासू जी के मूली के स्पेशल पराठा के कारनामा है। हाँ, कारनामा तो रंग दिखा रहल बा, बस टाइमिंग या थोड़ा गड़बड़ा गई। अरे यार, समझ में नहीं खेवत, रोज कुछ न कुछ नया षड्यंत्र करत रहे यार। एक काम कर रहा ना, जाके अपने सासू माँ के सामने खड़ा हो जा और कह दा, बस माते, बस अब और नहीं। हाँ बेटा, मजाक कर ले, हर कुत्ता के दिन आवेला। अबे कुछ तो मदद कर। अरे हम का करी मदद, जे करे के बात अरे ना करे के बा, वो भी अपना हाथ से। अच्छा बेटा, दिखाई तो के ना ना, हमारा कुछ मत दिखावा, हमारा एक जरूरी मीटिंग बा बबिया के साथ, हम वैसे जाता नहीं। अरे का तोरा कहीं पसीना होता रे? एसी चला था? हाँ हो, एसी में पसीना चला था। पराठा खेलेगा? अब जो जो मीटिंग कर बबिया से, अब एकदम सही मीटिंग हुई। अंदर से कुछ कुछ हो रहल बा यार, क्या हो रहल बा? और बतावा अंजलि, सब ठीक ठाक चलता ना? हाँ यार, सब ठीक है बा। ठीक है बा मतलब कहीं जिंदगी से बोर तो ना हो गए बाड़ू? अच्छा ये बतावा, तोहार निरहू आजकल सटल रहता रे के ना? अरे कहत आनी ना, सब ठीक है बा, अब तू बाल के खाल मत निकालो। कुछ बात तो जरूर बा। अरे अंजलि, कहीं तो हाँ निरहू के चक्कर कोनो और लड़की से तो ना हो गए? ना ना, वो ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं खन, वो तो हमरा से बहुत प्यार करेलन। बस कबो कबो मन उदास हो जाला कि काश हम हूँ माई बन जाती, तो हमरो दुनिया के सब खुशी मिल जाई। मिली। बिटिया ऐसे नहीं कह के सब ठीक हो जाए, बस आज हम जब तोरा के कहम ना, तब तू दामाद जी के पास जिया। दामाद जी? अरे दामाद जी, अरे ये कहाँ तुम दामाद जी? अरे सारा खून उल्टा दौड़ जाई। अरे उल्टा दौड़ा था, यही से तो करा था नहीं, सारा खून नीचे उतर गए बा। अरे जानू ये का करा था नहीं, सुते के टाइम पे योगा करा था नहीं। जान तू आगे लुड़ा, अब योगा करे की जरूरत देखे। ना छोड़ी, हम बहुत थक गई बानी, हमरा के बहुत नींद आवता। अरे प्लीज जान छोड़ी ना, आज हमार मूड नहीं खे। ऐसे कैसे मूड नहीं खे? सुना ना, अरे तोरा माई के मूली के पराठा खातिर अब कबो मूली के पराठा ना खाए। अब कबो ना खाए, बस तुम ही हो दो। तवा पे
हमरा नहीं के खाए के रउए खा ली। अरे कहा था नहीं हमरा नहीं के खाए के हम ना खाए। अपना बेटी के खियाई बबुआ हो तोहरा खातिर प्यार से बनौले बानी गैया के घीवा चबोर के लगौले बानी डाइटिंग पे बानी हमके घीव तेल माना बा हरी हर सलाद खाली फल फ्रूट खाना बा मारल करा तांड तानी मारल करा तांड तानी खींच के हमरा लेट होता शूटिंग पे जाए के बाद। अरे भूख लगी तो हम खा ले। हाँ रवा चिंता मत कर। घंटा तो डेली एक्सरसाइज करी ले। खाइला में करबा बबुआ जब तू कम फरमाइज तोहरा से होखी नहीं कोनो एक्सरसाइज जे तू डिसाइड करबू हमर खान पान हो नीम हकीम पड़ी खतरे में जान हो। खाइला में फायदा नहीं के खाइला में फायदा नहीं के बाटे बड़ी घाटा ना खाई बतानी दूरे रखा टिफिन में दे दी का ना खाई बतानी दूरे रखा मूली के पराठा ना खाई बतानी दूरे रखा मूली के पराठा बनौले बानी खाला बबुआ हटाइबू की ना सामने से ये पराठा देखिए कि हमार खड़ा हो जाता कान। पांच बार अरे हाँ यार इस सब सासू जी के मूली के पराठा के कमाल है। काल रात तैसन लागत रहे कि हमरा अंदर केहू और घुस गइल बा। केहू और? हाँ जैसे कोनो जानवर और हम अपने पे कंट्रोल ना कर पाइनी। हम समझ सकीला यार तहरा सासू माई के मूली के पराठा के शिकार हम हो गइल बानी। तहरा लगे तो अंजलि भाभी बाड़ी हमरा लगे हम हमार तनहाई। अच्छा तोरा लगे बोबिया नहीं के अब नाम मत लो कर। अच्छा बताइले ना मीटिंग कैसे रहे तो निकी बॉबी 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 माय डार्लिंग ओह माय डार्लिंग आई लव यू सो मच बॉबी लव यू टू यू आर माय स्वीट हार्ट। हरीश यस डार्लिंग आज बहुत मूड में हो डार्लिंग क्या खा कर आए हो? मूली के पराठे तुम रोज खाया करो। यस अच्छा रहे बहुत अच्छा मीटिंग रहे सब ठीक रहे। हसा जीन हम पटना जाता नहीं का करे पटना। अरे बोबिया के शूटिंग पटना में ना बा। वाह यार मतलब अब की होली बोबिया के साथ है। खूब पिचकारी चली। हाँ तो ठीक बा हम जाते नहीं। अरे 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 इधर पास कर पास कर पास कर नहीं नहीं इधर इधर अरे कॉर्नर से अरे कॉर्नर से अरे 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 बस 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 अरे 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 फुटबॉल मैच सुना हमरो के खिलाई बलो अबे लड़की तो कमाल है बे। अब ये मिलेगी किसको मैच करके डिसाइड करते हैं। हाँ नीरू जल्दी आओ वो जोकर्स पार्क कमान
मैंने गोल मारा, लड़की मेरे साथ जाएगी। अबे शाणे, लड़की तेरे साथ तब जाएगी जब मैच खेलेगा। अच्छा मैच खेलोगे, चलो हो जा। जा अपनी टीम ले आ। मेरी टीम तो मैं अकेले हूं। मैं अकेले तुम में 6 गोल मारूंगा और लड़की लेके जाऊंगा। तुम 6 मिलके 1 गोल मार दिए तो लड़की तुम्हारी। छठा गोल 6 जन मिल के बचेगा। चलो बचा वालो। बीमारी देखो, ये लोगों को देखो, हवलदार भी नहीं है। ओहो देवा, ठीक करते रे। है बीमारी में समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे। ए देवा मेरे को ठीक कर दे देवा। मैं नारियल फोड़ेगा, मुझे डॉक्टर बच्चन से मिला दे। मुझे एड्रेस क्या दिया समझ में नहीं आता, घूम के। अरे डॉक्टर बच्चन साहब आप। होली कैसी रही आपकी? अरे डॉक्टर साहब होली काय का, होली के दिन तो काम और बढ़ जाता है। अच्छा फिर तो आपका बीमारी और बढ़ जाएगा। मुंह खोलिए। हाय 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 हाय, हो गई ना गड़बड़। बोले थे आपको आके चेक करा लीजिएगा महाराज, आप आए नहीं। अरे हम तो आपका क्लिनिक कितना ढूंढे, मिले ही नहीं। जाने दीजिए अब कोनो फायदा नहीं है। अब तो हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे। अरे रुकिए, अरे डॉक्टर साहब बताइए हमको क्या हुआ है। थोड़ा मुंह और खोलिए। हाँ वो थोड़ा स्ट्रेस के वजह से ना आपको निक्रोफेलिया हो गया है। निक्रो? हाँ। ये क्या? उधर देखिए नीरू। अब मेरी वाइफ आपको प्रेग्नेंट नहीं दिख रही होगी। हाँ वो कैसे? निक्रोफेलिया की वजह से। ये वो आप एक काम कीजिए, इससे पहले कि आपकी आंख एकदम खत्म हो जाए, आप आके चेक करा लो ना भाई। कहा? वही जू पे, किसी को पूछो ना डॉक्टर बच्चन पहुंचा देगा। अरे डॉक्टर साहब हम आए थे जू पर, हम आए थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे हम आए थे लेकिन लोग हमें घुमा फिरा कर
अमिताभ बच्चन के घर के सामने खड़ा कर देते थे। ओ, लोग हमको डॉक्टर बच्चन साहब के क्लिनिक के सामने खड़ा करते थे, लेकिन आंखों की वजह से हम अमिताभ बच्चन का घर समझते थे। हाँ हम समझ गए। अरे डॉक्टर साहब हम समझ गए, अब हम आ जाएंगे। तो के पता बा, हमके हमेशा से एगो पागल लड़का चाहत रहे, बिल्कुल हमरे जैसन, और तू एकदम वैसन है बाड़ा। एही से तो हम तोसे प्यार कर बैठल हैं। पता न काहे आज अपने ही मेहरारू के मुंह से प्यार शब्द सुन के अच्छा ना लगत रहे। काहे कि ई कहीं न कहीं हमार मेहरारू अंजलि के साथ धोखा रहे। लेकिन हमके कबो धोखा मत दिया। ई तो ही हो अंजलि, लेकिन एहसास अलग। ई उहे तना, लेकिन राहत अलग। अरे तू यहाँ का है? हम रहुआ शूटिंग पर नहीं आ सके निका? का बात करता रू, काहे ना आ सकता रू? कहीं भी आ सकता रू, कहीं भी जा सकता रू। तो चीहू काहे गई नी? तू मंदिर जाए वाला रहलू ना? हम तो मंदिरे जाए वाला रहनी, लेकिन रहुआ शूटिंग के बाद कहाँ और केकरा साथे जानी? हम कहाँ जाए सुना, और हाँ केकरा साथे जाए? एंजल के साथे। के बाड़ी एंजल? बोली के है एंजल? सच बतावे में कोनो खतरा तो नहीं थी? बहुत बड़ खतरा। रहुआ जवाब का ही नहीं की दे, बताएं के बाड़ी एंजल? मरीज के झटका लग सकेला और आत्महत्या का कोशिश भी कर सकेला। आग काहे चुरावतानी? जवाब दी के बाड़ी एंजल? अब आप सोच ले कि सच्चाई बता के मरीज का साथ है जोखिम उठाई। अंजलि स्वाति ठीक है कहत रहे, राहुल चक्कर कौनो दूसर लड़की के साथ चला था। देखा हमार बात सुना, ऐसा कोनो बात नहीं करे। हमके रहुआ से बात नहीं की करे के, बल्कि राहुल शक्ल भी नहीं के देखे के। हम अपना माई के साथ अपना घरे जाता नहीं। हम चाह के भी उनका से सच ना बता सकत रहनी, कहे कि उस सच बर्दाश्त ना कर पाई है। का अब भी निरहुआ अपना दुल्ही से सटल रही, ई जानल जाई मध्यांतर के बाद। इंटरवल के पहले आप देखनी है निरहुआ सटल रहे के कहानी, जोना में निरहुआ के बीवी के दू गो रूप है, अंजलि और एंजल। अंजलि एंजल के पैदा कैले रहली अपने बचपन के मास्टर से बदला लेवे खातिर। काहे कि अंजलि मास्टर से डराइल रहली, घबराइल रहली। मास्टर तो बचपन में चल गई, लेकिन मास्टर के लौट आवे के डर से, मास्टर से लड़े खातिर अंजलि के दिमाग में एंजल हमेशा जिंदा रहली और वो कभी भी आ जात रहली। हम अंजलि के सच्चाई कबो ना बता पौनी एह डर से कि कहीं इस सच्चाई के सदमा से अंजलि के कुछ न हो जाए। अब हम अपने मेहरारू के दूसरा रूप एंजल के ऐसे ही छोड़ ना सकत रहनी, एह लिए हम अपने अंजलि के दूसरा रूप एंजल के जीवन में एक नया रूप लेके एंट्री लेनी नीरू बनके। और कमाल के बात तो यही है कि एंजल के नीरू से प्यार भी हो गई। और जब एह बात के खबर हमरा बीवी अंजलि की चलल कि हमरा जीवन में कौनो और लड़की बा जेकर नाम एंजल है, जेकरा बारे में वो कुछ ना जानत रहली, तो अंजलि हमरा से सारा रिश्ता तोड़ देली। हम अंजलि के ही बता भी ना पावत रहनी कि जोना एंजल से हमके प्यार भइल बा वो अंजलि के ही दूसर रूप है। अब आगे देखें सभी। Ha ha ha!
बिटिया का भाई काहे रोत रो? हम उनके कब माफ न करब माई। अरे का भाई बताइबो कुछ। अरे काहे का भाई कुछ बोलबू माई। उनकर कोनो दूसर लड़की के साथ चक्कर चलता। हे भगवान दवाई कटोच कहीं ज्यादा तो ना हो गई? ना ना हम उनसे नफरत करी ला माई। अच्छा पहले चुप, मुंह बंद करा, पहले रोल बंद करा, रोल बंद करा पहले। हमार बात सुना, दामाद जी ऐसा नहीं खान बेटा, बहुत अच्छा लेका हूँ वो बिटिया। और हम जाना तेरी बिटिया, वो तोरा अलावा क्यों से प्यार करिए नहीं खेल सकेला, ये बात हम तोरा के लिख के भी दे सकेला। अच्छा एक काम करा, तू एक बार उनसे बात तो करके देखा ना। का सिचुएशन बा यार, तू चाह के भी अंजलि भाभी से सच नहीं खे बोल सकत, तेरा लगे कोनो रास्ता भी नहीं खे। एक काम कर, झूठ बोल दा। कैसे झूठ बोल दी यार, वो हमसे बातें नहीं की कल चाह। ठीक बा, अच्छा वो शूटिंग के लोकेशन मिलल? बॉबिया के तो हम खून करे वाला बनी, वो भी 2-3 दिन के अंदर। खाली ही पता करे के कोशिश करता नहीं कि मारे के कैसे बाहु करा। का भइल रे? अरे ही पूछा कि का ना भइल। हरीश, ये है अपना शूटिंग के लोकेशन। कैसन लागल? बढ़िया बा। बाकी लोग कब आई? बाकी लोग सुबह आई हैं। सुबह? तब हमहू सुबह आ जाता नहीं, होटल में रुक जाता नहीं। हरीश तू का चाहता रहा, शूटिंग हो या ना हो? अब मतलब? मतलब ये कि बात तो सिर्फ रात भर की है। हाँ राते भर के तो बात बा, काले तो सब आइए जाइए। yes. तो हम फ्रेश हो जाते नहीं? वेरी गुड, वो सामने वाला कमरा आपका है। अच्छा ओके ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। कुत्ता। यस। अरे अरे मुझे सना है, हाल तोहरे पेन के स्याही खत्म हो गए बेटा। बबिया के मरे के टाइम आ गई बा। चल फिल्म छोड़ देता नहीं ना। हाँ फिर तो के उसे मिले की जरूरत ना पड़ी ना। ना ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आवेला। हम ठीक बानी, हमरा खातिर ये का कम बा कि हमरा के तू दोस्त समझाता रह, रहे खातिर घर देले बड़ा, फिल्म छोड़े के जरूरत नहीं खे। चल कुछ दूसरा रास्ता निकाला था नहीं। दूसर? हाँ तू हमार मदद कर, हम तोर मदद करता नहीं। फोन करके प्यार से बबिया के बोला। बबिया के फोन करी वो प्यार से? हाँ प्यार से। अरे करना प्यार से। हाँ बॉबी डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बेबी, माय डार्लिंग, टेल मी हमरा तहरा से मिले के बा। हमरा तहरा के देख के कुछ कुछ होखे लागल हा। हम तहरा से अपन दिल के बात कहे के चाहता नहीं। ओह माय स्वीट बेबी, आ जाओ कमन मेरे घर पे आ जाओ। तहरा घरे ना? हाँ हमरा घरे आ जा ना। तुम्हारे घर पे? हाँ यही वक्त, अभी के अभी आ जा। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आता। ओके डार्लिंग, थैंक यू डार्लिंग, सी यू डार्लिंग। बड़ा खुश हो गई रहे। तोहरे याद में बढ़ गई
दिल बा धड़कन के रफ्तार मोर बलमुआ हो कब ले करई बा इंतजार मोर बलमुआ हो बेबी बॉबी डार्लिंग इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बॉबी डार्लिंग हाँ बेबी हमरा तहरा से एगो बात बतावे के रहे बोलो तू जब जब हमरा के छुएला ना हाँ। तो हमरा बदन में पूरा करंट जाग जाला ओ मेरी बेबी हाँ पहले ऐसा ना हो खत रहे अच्छा हमरा तो लगा था कि हमरा के तहरा से प्यार हो गई बा हम बहुत कंफ्यूज हो गई बानी बेबी हाँ तू तो बचपन से कंफ्यूज हो इतना नजदीक छुएला से हमसे पूछा आप कैसन एहसास हो रहल बा बॉबी डार्लिंग एगो और बात कहे के रहे बोलो ना डार्लिंग हमरा दिल के इच्छा पूरा करा हाँ बोलो हमरा के जोर से हाँ सीना से सीना लगा के खींच लो ओ बेबी कम ऑन हाँ बॉबी डार्लिंग मजा आ गई बॉबी डार्लिंग हाँ बेबी आज तो बहुत बॉबी अपने हनीमून में तो इतनी बेताबी नहीं दिखाई तुमने अरे बेबी एक्चुअली बात यह है कि मुझे तुम्हारी असलियत पे पहले से ही शक था आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो वरना इस कंपनी के मालिक तुम नहीं होते तुमने मेरा और मेरे डैडी का इस्तेमाल किया है अब मुझे तो खुशी होती अगर तुम किसी लड़की के साथ होते पर अफसोस लड़का अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे कल डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे साइन कर देना बेबी बेबी शट अप मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी थैंक यू निरहुआ जी आपकी हिंदी फिल्म धूमधाम से होगी बेबी बेबी मोर बलमुआ हो कब ले करैबा इंतजार हमार प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थैंक यू वेरी मच अब हम तहार प्रॉब्लम सॉल्व करता नहीं अच्छा कैसे अभी देखा अभी हम फोन लगावता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाई हाँ अंजलि भाभी हरीश हमरा समस्या के समाधान कर देलस वो अंजलि से ही बतौलस कि एंजल हमार ना ओकर गर्लफ्रेंड है और एंजल के लॉकेट उहे ओकरा के गाड़ी में देले रहे अंजलि हमरा के माफ कर देली और साथ में एक खुशखबरी भी सुनौली हमरा के माफ कर दी उ दिन हम कुछ ज्यादा ही बोल गई नहीं दरअसल कुल गलती हमरे बा कौन बात ना ये सब बेवकूफी ना हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता हार्मोनल चेंजेस हाँ ऐसे में मूड ऊपर नीचे होला और चिड़चिड़ापन भी होला अब हमार मूड ऊपर नीचे काम करता रू बताओ ना सीधे सीधे का बात बा हम माई बने वाले मानी का सच हाँ अंजलि माई बने वाली बाड़ी मतलब एंजल भी लेकिन का अंजलि की तरह एंजल भी माई बने खातिर तैयार हो जी हैं ये सोच के हमार खुशी घबराहट में बदल गई अरे एंजल तनी संभाल के अरे तू तो ऐसे बोला तारा जैसे कि हम माई बने वाला बानी एंजल 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 एक बात बताओ माई बने के बारे में का सोच ले बाबू ए मैं सोचे के काबा जब हमरा के माई बने ही के नहीं के मतलब मतलब ई की शादी बिया बाल बच्चा ई सब हमरा के ना चाही हम तो बस ऐसे ही तोहरा साथे एंजॉय करब और कहीं एंजॉय करते करते माई बन गेलु तब तब जैसे हमके ई बात पता चली हम अपन बच्चा गिरा देब एंजल हमके तो से ई उम्मीद ना रहे अरे का भइल नीरू नीरू अरे नीरू नीरू सुना था का हो गए जब हमरा के माई बने ही के नहीं के तो एमें का प्रॉब्लम बा प्रॉब्लम एमें नहीं के कि तो के माई नहीं के बने के प्रॉब्लम एमें बा कि अगर तू माई बन गए लो तो अपन बच्चा गिरा देऊ
हाँ सच तो यही है कि तू माई बने के लायक नहीं खो। बिल्कुल सही कहा तारा, हम माई बने लायक नहीं थी और ना ही तोरा साथ रहे लायक बानी। यही से आज के बाद हमरा से मिलना की कोशिश मत करियो। वक्त और हालात हमके ऐसने मोड़ पे लिया के खड़ा कर देलस कि हमके अपने बच्चा के अपने ही बीवी से बचावे के बा, और ये कैसे हुई हमरा नहीं के पता। डॉक्टर साहब, बेटा जी ये पागलन की डॉक्टर के घरे में काहे बोलूला है? काहे कि आप हॉस्पिटल जाए खातिर तैयार नहीं थी। अंजलि बच्चा चाहती है और एंजल ना, ये समझावे खातिर ई पागलन का डॉक्टर तोहर घर आयल बा। हमार बेटी पागल नहीं थी डॉक्टर, ओकरा बारे में ये सब बात बोल के समाज के सामने ओकर तमाशा मत बनावा। ओकरा कोनो समस्या ना हो, एकदम ठीक बा। बस हमू तो ये कहत नहीं कि अंजलि के कोनो प्रॉब्लम नहीं थे, प्रॉब्लम तो रउआ में बा। हमरा में का प्रॉब्लम बा? राहुल प्रॉब्लम ई बा कि राहुल के अपन बेटी से ज्यादा अपन इज्जत प्यारी बा, अपन मान अपन सम्मान प्यारी बा, अपन बेटी के कम और दुनिया के चिंता ज्यादा बा कि लोग का सोची लोग का कही। रुआ खातिर, रुआ खातिर ई बहुत महत्वपूर्ण बा। रुआ दुनिया के चलते अपन बेटी की बीमारी के ना अपन बेटी की नजरअंदाज के लेवल चली कोनो बात ना। रुआ के हिसाब से एंजल ना आई तो ठीक बा, लेकिन अगर कहीं एंजल आ गई और अपन पढ़ल पेट देख लेलस और बच्चा गिरवा देलस तो अंजलि के दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगी और इस सदमा ओकर जान भी ले सकेला और एक जिम्मेदार सिर्फ आप पर जाई, सिर्फ आप पर। डॉक्टर साहब कुछ तो उपाय हो, टेम्पररी ही सही। हमरा हिसाब से एक ही गो इलाज बा, बच्चा गिरवा दो। नहीं, नहीं। डॉक्टर साहब सही कहता रहे, अंजलि एंजल बनल हमरा वजह से। काश हम दूसर ब्याह न केले हुए, अंजलि का इलाज बचपन में ही करा देले रहे, ताजी नौबत ना आवत। बाकी हम जोन भी के लिए अपना बिटिया खातर के लिए हम ना चाहत रहे कि दुनिया वाला हमरा बेटी के पागल का ना चाहत रहे। बाकी हाँ समझ में आवता कि हमरा में और ये दुनिया वालन की सोच में कोनो फर्क नहीं के, कोनो फर्क नहीं के। बेटा जी रुआ सोचा तो कब की रुआ के हम धोखा दे, ऐसा ना बड़ बुजुर्ग कलर ना कि ब्याह के बाद सब ठीक हो जाए, हम ओ के लगल कि सब ठीक हो जाए। बाकी हमार किस्मत देखी रुआ जिसन दमाद पवनी जिकर जीवन अंजलि और एंजल के चक्कर में पिस के रह गए, बाकी रुआ के मुंह से उफ तक ना निकलल। किस्मत वालन के ऐसन दबाव मिलला बेटा जी।
माई कहीं ना कहीं गलती हमरो बा। हम सब कुछ जानते हुए भी अंजलि के ठीक से इलाज ना करा पैनी और आज भी उनके सच बतावे से घबराहट हो रहा बा। जनता ने बेटा जी खाली ये खातिर कि हमने की अंजलि से बहुत प्यार करेला होकर दुख नहीं बर्दाश्त कर सकत होके हम खोल नहीं के चाह और यही वजह से आज उनकर तकलीफ और बढ़ गई बा। पर माई कबो कबो कठिन फैसला से ही सही फैसला मिलेगा। लेकिन बेटा बच्चा गिरावे खातिर अंजलि कबो तैयार ना हुई हमनी के उनके कैसे यकीन दिलावे के पड़ी कि बच्चा के डिलीवरी उनका खातिर जानलेवा हो सके। बिल्कुल ठीक यही सही रहेगा। हम समझाए अंजलि के कहाँ जाते रहो। हम मॉल जाता नहीं हमरे ढेर सारा शॉपिंग करे के बाद कौन चीज के। हेलो हम माई बने वाला बानी रउआ के तो कोनो फिकरे नहीं के हमके तो लागत था रउआ खुश भी नहीं की। अंजलि कुछ बात करे के रहे तोरा से। का वो डॉक्टर कहत रहे कि ये बच्चा तोरा खातिर जानलेवा साबित हो सकेला तो हमके लागत था कि गर्भपात करा दिया जाए। का ये का कहता नहीं रउआ होश में तबानी रउआ जानता नहीं ना कि बच्चा खातिर हम कितना तरसल बानी। हमके पता बा लेकिन हमरा खातिर तू ज्यादा महत्व रखे बच्चा ना लेकिन हमरा खातिर हमार बच्चा। सुना बिटिया तू बच्चा खातिर तैयार बड़ो। हाँ पर काहे काहे से कि ये डिलीवरी तोरा खातिर जानलेवा भी हो सकेला। हम तोरा के खोल नहीं की चाह अरे तू हमार इकलौती लाडली हो ना माई का हो गई बार हुआ लोग के पहले यहाँ के और अब तू के बात तू लोग के पागल डॉक्टर जे कहा था कि बच्चा हमरा खातिर जान ले बाबा। चलो चलो हम तू लोग के अपना डॉक्टर से मिलवा बतानी चलो। हमरा के आपके जैसा नहीं एकदम सुंदर लड़का चाहिए। हमरा के तोहरे जैसे को सुंदर बेटी चाहिए बस ओकर आंख हमरे जैसे होके के चाहिए। हम माई बने वाले मानी का सच। हाँ हमरा हिसाब से एक ही गो इलाज बा बच्चा गिरवा दो। माई बने के बारे में का सोच ले बड़ो एमे सोचे के काबा जब हमरा के माई बने ही के नहीं के और कहीं एंजॉय करते करते माई बन गेलु तब तब जैसे हम की बात पता चली हम अपन बच्चा गिरा दे। एंजल ई का हा? हरीश हमार बच्चा बच्चा कहाँ बा बच्चा ये देख हाँ हाथ हाँ हाँ और ये पेट और पैर भी बन रहा बा बच्चा अभी बहुत कच्चा बा। हरीश हमरा बच्चा के बारे में फालतू बात मत कर बहुत प्यार उमड़ रहल बा बच्चा पे। दो दिन पहले तो बच्चा गिरावे के बात करत रहलो ना हमसे ही अपराध ना हो ये हमार बच्चा हाँ और ये जिंदा बा हमें करा मासूम दिल के धड़कन सुन ले बानी यार धक 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 और तू हमरे बच्चा गिरावे की बात करता रे यार। अरे
आइडिया तो तहारे ना रहे। खैर कौनो बात ना, अब ई बतावा कि आगे का करे के बा। पता ना यार। तो सबसे पहले अपन बच्चा के अपन मेहरारू से बचावा। मतलब? मतलब ई कि जब अंजलि भाभी एंजल बन जाई हैं, तो दारू भी पी हैं, सिगरेटो पी हैं, डिस्को में भी जाई हैं, तब तहार बच्चा खातिर ये अंजलि भाभी के दारू सिगरेट डिस्को बहुत खतरनाक बा। कुछ करे के पड़ी यार। एंजल, कुछ बात करे के रहे तुझसे। कहे सुने के टाइम बीत गए नीरू। प्लीज एक बार हमार बात सुन ला, फिर तू कबो तो हम तो से कबो बात ना करो। वो रात खातिर हमके माफ कर दे। हमारी इरादा तो के चोट पहुंचावे कि ना रहे। ये सब बात के का फायदा है? सुना, तू जा यहाँ से, हमके लेट होता, हमके पार्टी में जाए के हो। प्लीज मान जा। जाइबा कि ना यहाँ से? प्लीज एंजल, जस्ट गो। ना मनबू। ना। ये क्या करता नहीं? ये सब कहा? अरे अरे खिड़की कैसे सुनती है? खिड़की खोली दमाजी। अरे दमाजी, बात तो सुनी। अरे बेटा जी, अंजलि के बंद कहे कहीं नहीं है। अरे अंजलि के ना, एंजल के बेहोश कहीं। अरे क्यों के भी, लेकिन बेहोश कहे कहीं नहीं है। मजबूरी बा, एकरा अलावा कोनो रास्ता नहीं के बच्चा के बचावे के। बेटा जी, ऐसे कितना दिन तक चले? जब तक कोनो उपाय ना निकल जाए, बस आप इतना ध्यान रखी, जब तक एंजल अंजलि ना बन जाए, आप दरवाजा मत खोलो। उठले के बाद अगर वो हमसे पूछी कि हमरा के दरवाजा में कहे बंद केले रहलो, तो हम का जवाब दे? कोनो बहाना बना दिया, वैसे उनके कुछ याद ना रहलो। ठीक है बेटा जी, कोनो उपाय जल्दी से लगाई, कुछ करी, कुछ करी। हम कुछ उपाय सोचे तन। यार अब अगर हम एंजल के सामने पड़म ना, तो वो हमके जान से मार दी। लेकिन उनकरा के बेहोश करे के का जरूरत रहे? अरे यार तू ही काले रहे। एंजल जब पब जाई, दारू पी, सिगरेट पी, अब उनके रोके के कोनो आइडिया हमरा समझ में ना आई। अब जो नाइल तो उन कर देने। वो सब तो ठीक बा, लेकिन अब आगे का कही जा? अंजलि भाभी पे नजर के रखी। हम तो नहीं रख सकते, काहे कि वो हमके जहां पाई वहीं जान से मार दी। तो एक काम कर, एंजल के मार दा, न एंजल रही न टेंशन रही। सही कहता रे तू। का एंजल के मार देता नहीं? एंजल के मार देता नहीं? अरे अरे एंजल मर जाई तो अंजलि भाभी भी मर जाई हैं। भुला गईला कि दोनों एक ही बा? ना, अंजलि और एंजल एक नहीं के। अंजलि सच बा और एंजल झूठ। एंजल के झूठा मर्डर करे के, नकली मर्डर। का नकली मर्डर? हाँ नकली मर्डर। पता ना, पर एंजल अंजलि का दिमाग का उपजा। अगर अंजलि का दिमाग में एंजल मर जाती है, तब कमा सकेला तुम्हारा आइडिया। लेकिन ये तू करवा कैसे? हमार भाड़ा के गुंडा लोग उनके किडनैप करी है और उनका के एक सुनसान जगह पे लेके जाए, वहां उनके नकली गोली मारल जाए। गन के गोली में नशा हुई और एंजल बेहोश हो जाए,
अरे इतना ड्रामा करे के का जरूरत बा। साफ साफ अंजलि भाभी के बता दिया जाओ कि एंजल कर गई भी है। अरे एंजल अंजलि के दिमाग इस्तेमाल करे ले, तो कहीं ना कहीं अंजलि के दिमाग में छप जाए के चाहिए कि एंजल मर गई। एक खातिर ही ड्रामा करना जरूरी बा। बिल्कुल सही, यही ठीक रही। हेलो 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 बेटा जी, बेटा जी एंजल, नहीं नहीं अंजलि अंजलि। अरे का बोला था निसाब साहब बोली। एक मिनट एक मिनट बेटा जी, एंजल अंजलि बन गए ले। हम जब ये दरवाजा खुले कुछ गुंडा लोग गई ना उठा के ले गई ना। का बच्चे के बहुत कोशिश केले से बेटा वकी जबरदस्ती उठा के ले गई नौकरा के बच्चा लो। तू चिंता मत कर, हम अभी पुलिस स्टेशन जाता नहीं। अरे मेरे भाई जल्दी से ठीक कर रे। ए देवा कहाँ फंस गया मैं? अरे मैं भी बीमार, गाड़ी भी बीमार, हालत खराब हो गई रे देवा। गाड़ी की भी हो मेरी भी, मैं क्या करूँ देवा? ऐसी जगह पे मेरी ड्यूटी रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। डॉक्टर बच्चन साहब। डॉक्टर बच्चन? अरे अच्छा हुआ आप आ गए, देखो ना हम तो बीमार है ही, अब साथ में गाड़ी भी बीमार हो गई। खैर गाड़ी का छोड़िए, हमें ठीक करिए। अरे सर मेरी वाइफ किडनैप हो गई है सर। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, भाभी जी तो कुछ देर पहले टैक्सी में कुछ लोगों के साथ यहाँ से गई और हमने भाभी जी का चेहरा देखकर गाड़ी चेक भी नहीं किया और यहाँ से जाने दिया। अरे सर वही लोग तो किडनैप किए हैं। क्या वो लोग किडनैपर थे? ओ अगर वो लोग किडनैपर है तो मैं भी इंस्पेक्टर हूँ, मुझे पता है वो लोग भाभी जी को कहाँ लेके गए होंगे। के बाड़ा तू? हमरा के यहाँ कहे ले आयल बाड़ा? बदला लेवे खातिर। कैसन बदला? तुर मरद हमरा मेहरारू के सामने हमरा सच के नंगा के ले रहल ए नाते युवा जहाँ तोनी के ब्याह भेल रहे, आज दुनिया के सामने तोर सच्चाई नंगा करे खातिर ले आयल बानी। कैसन सच्चाई? ये कि सुपरस्टार निरहुआ के मेहरारू एगो पागल हिया जब चाहे ली अपन रूप बदल ले वेली। पागल तो हमरा कितने लागत बाड़ी। बस थोड़ी देर में सब पता चल जाई कि पागल के हिया, बस खाली हमरा एंजल के आवे के इंतजार बा। के एंजल? अब पूरी दुनिया के साथ साथ तोरा भी पता चल जाएगी तोर सच्चाई का बा। मास्टर वाह वाह रे हमार पगली स्टूडेंट, वाह तू तो निहायती अब जवान और खूबसूरत लगता रू हो। एक बात कही, कमाल के लगता रू, अब तो तू कली से फूल खिल गिल बड़ हो फूल, बहुत मजा आई। शुक्रिया बॉबी भाई, शुक्रिया। शुक्रिया बॉबी के ना, शुक्रिया देवे के बात हमरे लेकिन के दी जवन निरहुआ के कमजोरी ढूंढत ढूंढत तारा लगे पहुंच गए लन। शुक्रिया भाई लोग, शुक्रिया शुक्रिया। ए मास्टर जी थैंक यू से काम ना चली। अच्छा फिर हमरो खातिर कुछ करा? काम चल जाए क्या करा से? चली ना दौड़ी एकरा पीछे तो हम बहुत दिन से पड़ल बानी।
ठीक बा, पहले हमके एकरा से निपट लेवे था, फिर तू लगन भी, ठीक बा? मास्टर, मने बहुत कमीना हुआ, साक्षात देवी जी के मंदिर में एगो देवी समान लड़की के वस्त्र हरण, बॉबी इतना भी बड़ा कमीना नहीं है। तो ठीक बा, मंदिर से हम बाहर जाता नहीं, ले जाए, चल चल बाहर, चल 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 बाहर। जाए थी मास्टर। भी मत करी हा, हमार बिटिया झूठ ना बोल सकत। मास्टर ते फिर आ गई ले। दुनिया फिल्म तो देखी, लेकिन तोरा और तोरा गुंडन के पिटाई के। दुल्हन रहे बीमार, अरे दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ 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 सटल रहे, मंगल चाहे सोमार जाके डटल रहे, अरे दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। बाकी एक बात याद रखिया, हम और हमारी गुंडा पार्टी तोहरा लड़की से सटे ना दे। शायद तोरा के पता नहीं के कि निरहुआ खाली सटल ना डटल भी रहेला। डॉक्टर साहब, ज्यादा जोश में मत आइए, ये लोग बहुत ज्यादा है और हम लोग बहुत ज्यादा कम है, मेरी फोर्स का इंतजार कीजिए, बस आती होगी। दुबली जी, ना ही ये डॉक्टर साहब हैं और ना ही आप बीमार हैं, ओके? ये डॉक्टर साहब नहीं है, फिर कौन है? अरे ये भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी हैं। निरहुआ? हाँ नीरू, अपना आपके निरहुआ समझा और मारा एक नीके। कैमरा मैन हरीश के साथ। ओके। निरहुआ सटल। ओके। अरे भाभी जी संभल के। भाभी जी यहाँ छुप जाइए, आइए। Yeah!
क्या बात है? तो सच्चाई नंगा करे खातिर ले अल्बानी कैसन सच्चाई ये कि सुपरस्टार निरहुआ के मेहरारू एगो पागल हिया बस खाली हमरा एंजल के आवे के इंतजार बा के एंजल डॉक्टर साहब
अंजलि के आधा सच पता चल चुकल बा। अच्छा ये हुई कि इनके पूरा सच पता था, न तो बहुत बड़ मुसीबत आ सकेला। हम बताएं डॉक्टर साहब, हम बताएं, चाहे जौन भी हुई कैसे? वो तोरा के कुछ गुंडा लोग किडनैप कर ले रहे, तोरा के बचाव में चोट लग गई। हम माई? हाँ, बच्चा एकदम ठीक बा। और मास्टर? वो तो मर गई। बहुत अच्छा भाई, कैसे हो बिटिया? बस माई तनी सा दर्द बा, थोड़ा सा दर्द और बर्दाश्त करे के पड़ी। काहे? तोरा के एंजल के बारे में कुछ बतावे के बा बेटा। के एंजल? ई एंजल वो मास्टर और बॉबी के चाल रहे, उकनी के पता रहे कि मास्टर के देख के हम गुस्सा में आ जानी, और यह बात के फायदा उठा के वो लोग हमरा के पागल साबित करे के चाहत रहे, इनका से बदला लेल चाहत रहे, और रउआ लोग भी उकनी के बात में आ गई नहीं। इका अंजलि वो हमने के लगल कि शायद तू उकनी के बात में आ गेलो। हाँ, हम कहाँ आई बुकनी के बात में? चली, मरीज के आराम के सख्त जरूरत बा। अंजलि तू आराम करा, आप लोग बाहर चल। प्लीज आराम कर बेटा। डॉक्टर साहब, आज तो हमने के सच छुपा लेनी जा, लेकिन एक न एक दिन तो अंजलि की सच्चाई बतावे के पड़ी ना। एक जरूरत कब होना पड़ी? कहे कहे कि एंजल और अंजलि दोनों का नजर में मास्टर मर चुकल बा, और जब मास्टर ही दुनिया में नहीं खे तो एंजल आके का करी? सुने खातिर हमार कान तरस गई रहे कि अब एंजल दोबारा ना आई, और एक खुशखबरी सुन के हम भाग के अंजलि के पास गए और अपना अंजलि के गले लगा लेनी। लेकिन बेचारी अंजलि के ए बात के पता भी ना रहे कि हम इतना खुश काहे बानी। एंजल दोबारा वापस ना आई ली और हम चैन की नींद सोते लगनी, लेकिन शायद चैन की नींद सुतल अभी भी हमरे नसीब में ना रहे। कहे कि हमारा घर में एक नन्ही परी आ गई बिया, जोना के नाम हम एंजल रख ले, और हमार डबल ड्यूटी फिर शुरू हो गई, अपना बीवी अंजलि के और हमार नन्ही परी एंजल के। एक बार फिर से दुलही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे।